फांसी की सजा पर बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इससे जुड़ा डेटा मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या सजाए मौत का कोई ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है जो कम दर्दनाक हो। भारत में मौत की सजा के नाम पर फांसी का फंदा जहन में आता है। अपवाद के तौर पर सेना से जुड़े कुछ केसेस में गोली मारने का प्रावधान है, लेकिन फांसी का चलन कितना है इसे ऐसे समझिए। भारत की 30 से ज्यादा जेलों में फांसी का तख्ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आजादी के बाद से भारत में 57 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। लेकिन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR का दावा है कि साल 1953 से 1963 के बीच ही 16 राज्यों में 1422 लोगों को फांसी दी गई। अंतिम बार 20 मार्च 2020 को निर्भया केस के 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में फांसी की सजा के विरोध में कुछ अहम दलीलें दी गई हैं। फांसी मौत देने का तकलीफदेह और लंबा तरीका है। व्यक्ति को मृत घोषित करने में 40 मिनट तक का समय लग सकता है। गोली मारने या जहरीले इंजेक्शन से ये काम 5 से 9 मिनट में पूरा हो सकता है। डिग्निफाइड डेथ को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पिटिशनर की इस दलील से सहमति जताई है कि फांसी की सजा अमानवीय और क्रूर है। अमेरिका, फिलीपींस, चीन, थाईलैंड, ताइवान, मालदीव और वियतनाम जैसे देशों में ये तरीका अपनाया जाता है। अमेरिका के 31 राज्यों में जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा दी जाती है। 1888 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार मौत की सजा के लिए इलेक्ट्रिक कुर्सी बनाई गई। इसमें 30 सेकंड तक 500 से 2000 वोल्ट की पावर सप्लाई की जाती है जिससे कैदी की मौत हो जाती है। अमेरिका के निवादा राज्य में साल 1924 में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ। कैदी को एयरटाइट चैम्बर में रखकर हाइड्रोजन साइनाइड गैस की सप्लाई की जाती है। अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। सूडान में अडल्ट्री के लिए अब भी पथराव कर मौत की सजा दी जाती है। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, सऊदी अरब और कतर में ये तरीका अपनाया जाता है। इतिहास के पन्ने मौत की सजा के क्रूर किस्सों से भरे हुए हैं। न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। सुकरात को 399 ईसा पूर्व में जहर देकर मौत की सजा दी गई। मुगल बादशाह हुमायूं ने एक इमाम को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया। मॉडर्न सोसाइटी में फांसी को लेकर नजरिया बदला है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से लगता है कि इस मुद्दे पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा सकती है। 2 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।